गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 20th अप्रैल. सो ऑन द फर्स्ट पेज देयर सर्टेन न्यूज़ व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट न्यूज़ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, टाइटल सेज इंडियाज़ पॉपुलेशन टू एज अहेड ऑफ चाइनाज बाय मिड 2023 सेज यूनाइटेड नेशंस. सो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है और उसने ये रिवील किया है कि बाय द मिड ऑफ 2023, दैट मीन्स इसी साल के मिड में, लगभग कह सकते हैं जून जुलाई के महीने में, इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू सरपास चाइनाज पॉपुलेशन. यहाँ पे ये जो डेटा यहाँ पर साइट किया गया उसमें बताया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग मिड 2023 तक, दैट विल रीच अराउंड 142.86 करोड़, राइट, और आई कैन से 142 करोड़ 86 लाख, ये यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी यहाँ पर हो जाएगी. और वही यहाँ पे अगर आप चाइना की बात करें तो 142 करोड़ 57 लाख विल बी द पॉपुलेशन ऑफ चाइना. तो लगभग ये जो यहाँ पर गैप आ रहा है लगभग 29 लाख का, इससे हम चाइना को यहाँ पर सरपास कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. सो इज दिस अ पॉजिटिव थिंग और ए नेगेटिव थिंग? अगर करंट सिचुएशन की अगर बात करें, द वे आर करंट गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस पॉपुलेशन, उन्होंने हमेशा से उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट में कहीं ना कहीं बताया है कि हमारी पॉपुलेशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं हमारे पास यूथ की वर्कफोर्स बहुत अच्छी है और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अलग तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है और वो कर भी रही है. बट हमारे यहाँ पे काफ़ी कह सकते हैं कि स्पेशली कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी ऐसा मानना है कि हमें भी यहाँ पर जिस तरीके से चाइना ने पहले सिंगल चाइल्ड पॉलिसी फिर टू चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर करी थी, वैसे ही हमारे देश में भी हमने यहाँ पर क्या करना चाहिए, टू चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर करनी चाहिए. अब उसका अल्टीमेटली बेनिफिट यहाँ पर क्या होगा, और इवन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इसकी ऑलरेडी इनिशिएशन कर दिया गया था कि जिस अगर आसाम राज्य में अगर कोई पेरेंट अगर दो से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो फिर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब. इन सबकी बात यहां पर हुई थी, हालांकि उसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया. बट यहां पे अगर करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूं तो एशिया के ये जो दो बड़े देश है, दैट इज इंडिया एंड चाइना, दोनों की पॉपुलेशन लगभग यहां पे मोर देन आप कह सकते हो 285 करोड़ तक की पॉपुलेशन यहां पर बाय द मिड ऑफ 2023 यहां पर हो जाएगी. और अगर उसके बाद अगर हम देखें टॉप टू नेशंस तो यहां पे ये है, थर्ड वन इज दैट इज यूएस, जो बहुत फार बिलो है इन कंपैरिजन टू करंट सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. यहाँ पे यूएस की पॉपुलेशन लगभग 34 करोड़ है और आने वाले समय में अगर मैं बात करता हूँ तो पॉपुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा पैरामीटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं डिमांड आपकी बढ़ती है और जो रिसोर्सेज है किसी भी एक देश में वो लिमिटेड होते हैं. तो ऐसे में किस तरीके से वो जो पर्टिकुलर कंट्री कैसे अपनी रिसोर्सेज को इस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज करे कि उसका बेनिफिट यहाँ पे सभी लोगों को मिले, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है. बट यस, यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है UNFPA की और उसमें रिवील किया गया कि इंडिया की पॉपुलेशन, इंडियाज पॉपुलेशन इज गोइंग टू सरपास चाइनाज पॉपुलेशन बाय द मिड 2023. देन नेक्स्ट न्यूज, वन सेकेंड, ओके, फॉर द टाइटल सेज हैव इन्फॉर्म्ड स्टेट्स ऑफ सेम सेक्स मैरिज हियरिंग गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट. सो यहाँ पे और द न्यूज इज सेइंग, दिस न्यूज बेसिकली अबाउट सेम सेक्स मैरिज. इसके बारे में हमने डिटेल्ड एनालिसिस कल के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस दैट इज 19th अप्रैल में ऑलरेडी कर लिया. अब यहाँ पे जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है श्री तुषार मेहता जी, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला को ये बताया कि हमने सभी स्टेट्स को यहाँ पर ये बात रख दी है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष यहाँ पे रख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सेम सेक्स मैरिज. तो यहाँ पे कुछ पिटिशनर्स का मानना था कि ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो 5 महीने पुराने का प्रोसेस था जब ऑलरेडी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जितनी भी हाई कोर्ट में पिटिशन है उनको हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ही इस रिलेटेड पिटिशन यहाँ पे आएगी. बट अब यहाँ पे जैसे ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई, अब करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो पूरा इसको ओवरलुक कर रही है, वो पूरी सिचुएशन यहाँ पर देख रही है रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज. जहाँ पे ऑन द वन हैंड अगर मैं बात करता हूँ तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट जो पार्लियामेंट है वहाँ पे अच्छे से इसकी चर्चा होनी चाहिए, देन फाइनली कुछ कॉन्सेंसस आना चाहिए, कुछ डिसीजन आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सेम सेक्स मैरिज. क्योंकि आज तक अगर अभी हम करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो एक भी ऐसा देश नहीं है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में जहाँ पे जिसने सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर लीगलाइज किया है. अब अगर मैं बात करता हूँ, ताइवान एक देश है बट उसको ताइवान कहीं ना कहीं यूएन ने ताइवान को, यूनाइटेड नेशंस ने ताइवान को एक कह सकते हैं कंट्री यहाँ पर नॉमिनेट, मतलब एक कंट्री वहाँ पर वो नहीं मान्यता देता. इस वजह से अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप ताइवान को छोड़ दें तो एशिया में भारत पहला ऐसा देश हो सकता है आने वाले समय में जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर अलाउ किया जाए. बट अब करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है कि हम यहाँ पे जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे पास बिल्कुल अथॉरिटी है इसके बारे में बात करने की और इतनी सारी पिटिशन्स आई, इसी वजह से हमने इसको
सुप्रीम कोर्ट में लिया और इसी वजह से हम इसमें डिसीजन मेकिंग यहाँ पर सुना रहे हैं। बट अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है कि सरकार का यहाँ पर अपना अलग पक्ष है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अलग पक्ष है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पर बिठा दी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहा है, कल ही हमने देखा था मैन एंड फीमेल जो जेनिटल्स है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। और सेकंड चीज जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, देखिए किसी भी पर्सन को, अगर मैं भारत देश की बात करता हूँ, किसी भी पर्सन को अगर मैरिज करनी है तो 3 तरीके, या तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू करिए, हिंदू मैरिज एक्ट में आप दो, दैट इज मेल हिंदू और फीमेल हिंदू के बीच में ही शादी हो सकती, दैट मीन्स इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती। जो हिंदू मैरिज एक्ट है दैट इज 1955। दूसरा तरीका है जो मुस्लिम का जो मैरिज कहीं ना कहीं लॉ है, एक्ट है, दैट इज 1954। उसमें भी क्या हो सकता है, केवल मुस्लिम कम्युनिटी के ही मेल और फीमेल की यहाँ पर शादी हो सकती है। और तीसरा तरीका है जो कह सकते हैं स्पेशली इंटरकास्ट मैरिज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो हमारे देश में। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, सपोज दिस अ पर्सन हु बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी एंड दिस अनदर पर्सन फीमेल हु बिलोंग्स टू अदर कम्युनिटी, से मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो उनके बीच में मैरिज होती है, तो वो ना ही हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकते हैं ना ही मुस्लिम में, वो किस में जाते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, जो एम्पावर करता है कि इस तरीके से शादी की जा सकती है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली यहाँ पर ये बोला है कि हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात करें मुस्लिम मैरिज एक्ट की, तो वहाँ पे जरूर मेल और फीमेल की बात है कि अगर शादी हो रही है तो एक बायोलॉजिकल मैन होना चाहिए, बायोलॉजिकल वुमेन होने चाहिए, बट ऐसा कुछ स्पेशल मैरिज एक्ट में यहाँ पर मैंशन है ही नहीं। तो अगर नहीं मैंशनड है तो फिर इसी वजह से तो हम इस पर सुनवाई यहाँ पे कर रहे हैं और अपनी जो बात है, अपनी जो मुद्दा है वो यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्स की कोई पर्टिकुलर बात ही नहीं है। और अल्टीमेटली इसके पहले हमने डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे संस्थाएं हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका ऐसा मानना है कि सेम सेक्स मैरिज भारत में जो है लीगल नहीं होना चाहिए, अगर ये होता है तो अपने आप में गलत है। अगर कुछ और देशों की बात करें तो स्वीडन ने ऑलरेडी इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं मान्यता दे दी है, यूएस ने ऑलरेडी 2015 में इसको मान्यता दे दी, तो देयर लॉट ऑफ कंट्रीज जिसने ऑलरेडी यहाँ पर मान्यता दे दी, बट भारत ने अभी तक सेम सेक्स मैरिज पे मान्यता नहीं दी है। और अभी यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है हमारे देश में जो इस पर सुनवाई कर रही है, और आने वाले समय में इसमें डिसीजन आएगा कि अल्टीमेटली यहाँ पर इस रिलेटेड क्या फाइनली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यहाँ पर बोलती है। तो यहाँ पर बस यही हुआ है कि सेंटर ने बस सुप्रीम कोर्ट को ये बोल दिया है कि हमने सभी स्टेट्स को इसकी जानकारी दे दी है कि सेम सेक्स मैरिज के बारे में सुनवाई यहां पे जो है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पे कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज मोर एज एप्रोप्रिएट रेटिंग्स फॉर फिल्म सून। सो यहाँ पे हमारे जो यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने बताया कि जब यहाँ पे मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट आएगा तब हम जल्द ही यहाँ पर, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे आप कह सकते हैं मूवी कंटेंट की अगर बात की जाए या इवन OTT प्लेटफॉर्म जब से यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए तो वल्गैरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर बात की, दैट इज सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 जिसमें लाया जाएगा, और इसमें होगा क्या, दैट विल कंटेन प्रोविजंस फॉर हार्शर पनिशमेंट्स फॉर फिल्म पायरेसी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एज कैटेगरीज फॉर क्लासिफाइंग फिल्म्स। ये यहाँ पे इनकी जानकारी थी। अब अल्टीमेटली होगा क्या, अभी तक अगर हम देखें तो देर आर 3 कैटेगरीज जिसमें यहाँ पे जो मूवीज है उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, दैट इज 3 कैटेगरीज की भी यहाँ पे बात की गई। अब कोशिश ये की जा रही है कि इन कैटेगरीज को यहाँ पर बढ़ाया जाए। देखिए, यू फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन, ये जो अभी तक यहाँ पे है, अंडर एडल्ट फॉर फिल्म दैट कैन बी व्यूड बाई माइनर्स विद अडल्ट सुपरविजन, एंड ए फॉर फिल्म दैट कैन बी व्यूड बाई ओनली बाई एडल्ट। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है कि एक और जो ड्राफ्ट बिल की भी यहाँ पर बात की गई, और अल्टीमेटली यहाँ पर कोशिश क्या की जा रही है कि एक और कैटेगरी यहाँ पर ऐड की जाए, सो दैट ये जो पूरा इशू है इसको एज बेस्ड रखा जाए रादर देन जिस तरीके से अभी ये कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइडेड है। तो अल्टीमेटली पर्पज ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर डिजिटल मीडिया का यहाँ पर यूसेज बढ़ रहा है इंटरनेट के थ्रू, या फिर इवन फिल्म्स की अगर बात की जाए, तो उन सब पे कर्व करने के लिए, उन सब पे रेगुलेशंस लगाने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है वो उन्होंने इसकी इनिशिएशन यहाँ पर कर दिया है। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बात है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बार बार न्यूज़ में आता है और हमने एक बार डिस्कस भी किया है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बेसिकली होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज़ ए 5-member कमेटी जो अल्टीमेटली करती क्या है, सुप्रीम कोर्ट
जो कम इसको हेड यहाँ पे ऑनरेबल सीजेआई जो होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंटली 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ है, तो उसको हेड करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, इस पर्टिकुलर कॉलेजियम के थ्रू ये जिस तरीके से यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है जजेस का कि किसी जज है, कोई जज है उनको एलिवेट करना है, तो उनको डायरेक्टली थ्रू दिस कॉलेजियम जो मीटिंग होती है, इसमें 500 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और इसको हेड जैसा मैंने आपको बताया ऑनरेबल सीजेआई करते हैं और वो रिकमेंड करते हैं जजेस को और उनका एलिवेशन करते हैं एज ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। तो अभी अपडेट आया, इसको पढ़ सकते हैं लीगल अपडेट। चलिए नेक्स्ट सिटी पार्ट वी कैन स्किप। लॉट ऑफ पॉलिटिकल न्यूज आर देयर बिकॉज इन कर्नाटका इलेक्शंस विल बी हेल्ड, सो ओके। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग वन एडिटोरियल एंड टू ओपिनियंस फॉर व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एडिटोरियल सेज, इट इज ए न्यू असॉल्ट ऑन इंडियाज लिबर्टी। सो यहाँ पे ऑदर ने बात की है कि आज की करंट सिचुएशन में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे देश में लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, और इसकी बात इसीलिए की है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर इसी मंथ में इनिशियली हमने देखा था कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने यहाँ पर इसकी जानकारी दी थी अंडर IT रूल्स कि अब यहाँ पे कोई भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए या जो यहाँ पे इंटरमीडियरी है अगर उसके वहाँ उसके द्वारा या कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ यहाँ पे कर्व की जा रही है या फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है तो उसके ऊपर यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट यहाँ पे जो है उसको रोक दिया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इवन उनका जो सेफ हार्बर का जो स्टेटस है उसको भी यहाँ पे ले लिया जा सकता है, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर बोला क्या गया, दैट अ न्यू सेट ऑफ मेजर्स विद ए व्यू टू क्रशिंग फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, दीज इंट्रोडक्शन केम थ्रू IT रूल्स। द अमेंडमेंट्स ग्रांट्स द यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री अनब्रिंडल्ड पावर to create a fact check unit which will identify false or misleading online content that concerns the central government's business in any manner. अब यहाँ पे ऑर्डर ने पूरा एडिटोरियल में जो गवर्नमेंट का ये रिसेंटली डिसीजन है, मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, उसको क्रिटिसाइज किया। उनका ऐसा मानना है कि आपने अल्टीमेटली जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, आप सिविल लिबर्टी की बात करते हो, आप फ्रीडम की बात करते हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हो, ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसी न्यूज है जो अब यहां पे अल्टीमेटली हुआ क्या, सरकार के पास ही पावर आ जाएगी कि कौन सा कंटेंट उन्हें यहां पर रखना है, किसको हटाना है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि किसी कंटेंट सही नहीं है और तो डायरेक्टली यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जा सकता है और उस कंटेंट को हटाया जा सकता है। तो ऑर्डर का यहां पर यही मानना है कि क्या ये सही है अगर आप बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखने को मिले रिसेंटली जब कुछ ऐसे केसेस यहां पर हुए, कुछ ऐसी न्यूज यहां पर फैलाई गई तो अल्टीमेटली सरकार ने अपना ये जो यहां पर पावर है उसको यहां पर यूज किया और अल्टीमेटली वो जो न्यूज है उसको यहां पर हटा दिया गया। तो इसी वजह से ऑर्डर का मानना है। देन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे ऑर्डर ने इसी चीज को साइड किया कि जब आप बात करते हैं कि इवन सेक्शन 679 की बात की गई ऑफ IT एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारे देश में 2021, उसको भी हाईलाइट किया गया। बट अल्टीमेटली ऑर्डर का मानना यही है कि अगर आप बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, अगर आप बात करते हो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, एंड ऑन द अदर हैंड किसी के द्वारा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है और सरकार को लगता है कि इससे उनकी इमेज खराब हो सकती है, उनकी इमेज पे डेंट पड़ सकता है, तो आप उस पर्टिकुलर न्यूज को यहाँ पर हटा रहे हैं, तो क्या ये सही है, ऐसा यहां पर सरकार का मानना है, यहां पे ऑर्डर का मानना है। देन यहां पे कौन कौन से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको यहां पर एम्बिट में लिया गया, दैट इज व्हाट्सएप, सिग्नल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको यहां पे एज एन इंटरमीडियरी यहां पर बहुत सारे रूल्स यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे। और इवन रिसेंटली हमने देखा था एक और अच्छा स्टेप भी यहां पे इवन यूनियन गवर्नमेंट ने लिया था कि जिस तरीके से इवन OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी आजकल जिस तरीके से यहां पे कंटेंट यहां पर पब्लिश किया जा रहा है, बहुत ज्यादा वल्गैरिटी यहां पर, काफी सारी चीजें, तो उनको भी कर्व करने के लिए यहां पे सरकार कोशिश करी, तो उसको भी यहां पे ऑर्डर ने थोड़ा सा हाईलाइट यहां पे किया है। अब ऑर्डर ने कुछ यहां पे कह सकते हैं कि कुछ कुछ कह सकते हैं केसेस भी यहां पर साइड किए गए। दो केस की मैं बात करूंगा, पहला तो यहां पे जो दे रखा है वाइटनी वर्सेस कैलिफोर्निया उसको साइड करेंगे और दूसरा श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम यहां पे डिस्कस करने वाले। सो यहां पे बात क्या की जा रही है, दैट इज द अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस दिस मंथ ब्रिंग देम अ न्यू असॉल्ट ऑन आवर लिबर्टी टू बी श्योर मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज वॉट एवर वन माइट वॉन्ट टू कॉल इट, इट्स रैम्पेंट ऑन द इंटरनेट, इट्स इफेक्ट्स आर अनक्वेश्चनेबली डिलिटेरियस, बट वॉट माइट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम भी, दिस इज अ ऑफ्ट साइटेड पैसेज फ्रॉम जस्टिस लुई ब्रेंडिस क्लासिक 1927 ओपिनियन इन द US सुप्रीम कोर्ट वाइटनी वर्सेज कैलिफोर्निया, वेर ही रोड if there be time to expose through discussion the falsehoods and fallacies to avert the evil by the process of education, the remedy to be applied is more speech, not enforced silence. That means agar there are certain people who are raising certain concerns against the government or criticizing the government aur unke dwara jo content publish kiya ja raha hai agar usko hataya ja raha hai to that is not going to worth it, ye sahi nahi hai, aisa yahan pe author ka manna hai is particular opinion mein. Then usi ke sath sath
ऑर्डर ने यहाँ पर जो हमारे देश में कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसी के साथ साथ जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया, किस तरीके से ये एम्पावर करते हैं कि हमको हम हमारी बात रख सकें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बट जिस तरीके से अभी यहाँ पे ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया बाय द यूनियन मिनिस्ट्री वो अपने आप में गलत है, ऐसा ऑर्डर का यहाँ पर मानना है। देन जो सेकंड मैंने बताया था, एक और केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2015 का केस है। वो क्या बोलता है, इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट इन श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015, द सुप्रीम कोर्ट इन स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट हेल्ड दैट अ लॉ दैट लिमिट स्पीच कैन नीदर बी वेग और ओवर ब्रॉड, द अमेंडमेंट टू द IT रूल सफर्स ऑन बोथ अकाउंट्स। दो चीजों की यहां पर बात की, फर्स्ट द नोटिफिकेशन फेल्स टू डिफाइन फेक न्यूज, की फेक न्यूज में आता क्या है, उसके एम्बिट में क्या आता है। दूसरा, इट अलाउज द गवर्नमेंट्स फैक्ट चेक यूनिट टू मेक डिक्लेरेशन ऑन द वेरासिटी ऑफ एनी न्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स द स्टेट। दैट मीन्स अल्टीमेटली यहाँ पर बात तो वही आ गई कि अगर कोई न्यूज को यहाँ पर अगर रखा जा रहा है, अपनी बात यहाँ पर रखी जा रही है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और अल्टीमेटली अगर सरकार उसको हटा रही है तो दैट इज नॉट राइट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और उसी को यहाँ पे ऑर्डर ने यहाँ पर बताया कि इसके लिए यहाँ पे और मेजर्स यहाँ पर लेने की बात करनी चाहिए, रादर आपने क्या कर दिया कि अगर कोई आपके खिलाफ यहाँ पर कुछ बात कर रहा है तो आप अल्टीमेटली उसका जो कंटेंट है पूरा का पूरा यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। देन उसी के साथ साथ ऑर्डर ने क्या बोला, देन कंक्लूजन पढ़ते हैं, द राइट ऑफ द प्रेस एंड इंडीड ऑफ द कॉमन पर्सन टू क्वेश्चन द अथॉरिटी, अथॉरिटी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सरकार की बात हो रही है, सरकार को कोई क्वेश्चन कर रहा है उसकी बात हो रही है, टू स्पीक ट्रुथ टू पावर विल बी डिमिनिश्ड, वो कम हो जाएगी एंड आर सिविल लिबर्टीज ऑब्लिगेटेड। तो उनका यही मानना है ऑर्डर का कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो हम अगर हमारी बात रखना चाह रहे हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू अपनी थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरीज पे, जिस तरीके से यहाँ पर सेफ हार्बर की इम्यूनिटी यहाँ पर छीन ली जाएगी और इवन जो पर्सन है जो यहाँ पर कंटेंट पब्लिश कर रहा है उसके खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, कंटेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर सही स्टेप नहीं है, ऐसा यहाँ पर ऑर्डर ने साइट किया है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूज, फर्स्ट ओपिनियन एज आई टोल्ड यू टू विल बी डिस्कसिंग टू ओपिनियंस एज वेल, फॉर द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज द कास्ट इंपरेटिव, कास्ट सेंसस इवन इफ मॉरली फ्लॉड कैन हेल्प इन टारगेटिंग ऑफ कोटा बेनिफिट्स। सो यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करी, कास्ट बेस्ड सेंसस का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी पॉपुलेशन जैसे किसी स्टेट में है या अगर हम देश की बात करें तो जो पॉपुलेशन किसी कैटेगरी की है तो उसमें भी फर्दर बाइफर्केशन की ऑन द बेसिस ऑफ इनकम उनकी कितनी पॉपुलेशन है, तो उससे होगा क्या, बहुत अच्छी पॉलिसीज यहाँ पर बनाई जाती है। बट यहाँ पर अभी रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए आ गई क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि बिहार की जो गवर्नमेंट है नीतीश कुमार जी और RJD और JDU जो कोएलिशन गवर्नमेंट अभी चल रही है तो उसमें उन्होंने ऑलरेडी इसका इनिशिएशन कर दिया, सेकंड फेज ऑलरेडी 15th ऑफ मार्च को इससे स्टार्ट हो गया, जो दो फेजेस में यहां पर ये होना है। तो अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये आ रहा है कि कुछ नेशनल पार्टीज, इवन मैं बात करता हूं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी अब इसके समर्थन में आई है कि अभी यहां पर सभी स्टेट्स में सभी राज्यों में क्या होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। हमने देखा था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था, और अगर मैं इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की अगर बात करूं तो अल्टीमेटली यहाँ पर इलेक्शंस को या जब इलेक्शंस आते हैं तो जो पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि जो पॉलिटिक्स जिस तरीके से होती है तो उसमें जो कास्ट अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ऑलरेडी पता होगा कि इस कास्ट की इतनी पॉपुलेशन तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं और बेनिफिट प्रोवाइड करने के ताकि उनका वोट बैंक यहाँ पर क्रिएट हो, उस वजह से भी कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड सेंसस कराने का मेजर मुद्दा यही रहता है। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत करी तो यहाँ पे ऑर्डर का मानना है कि हालांकि देयर सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज हुज ऑफ द ओपिनियन ये अच्छा है, बट केंद्र सरकार ने क्लियरली इसको मना कर रखा है कि हम किसी भी तरीके से कास्ट बेस्ड सेंसस यहाँ पे नहीं करेंगे। जो अपोजिशन पार्टीज है वो क्रिटिसाइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का मूव, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से पूरी कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही। अब यहाँ पे ऑर्डर ने ये चीज़ बोली है कि कास्ट सेंसस इवन इफ मॉरली फ्लॉड, अगर आप ऑन मॉरल ग्राउंड्स अगर इसको देखो तो हमें पता है कि अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आप इलेक्शंस में लेने वाले हो, तो कैन हेल्प इन टारगेटिंग ऑफ कोटा बेनिफिट्स, अदर आप ये तो कर सकते हैं कि जो उससे डेटा यहाँ पे निकल रहा है उसको आप और अच्छे से यहां पे यूटिलाइज करके लोगों के बेनिफिट के। सो यहां पे हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से यहां पे जो देयर सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज वो किस तरीके से इसका बेनिफिट उठाएगी, बट फिर भी ऑर्डर का यह मानना है कि जो भी डेटा यहां पे डिराइव हो रहा है स्पेशली बिहार की यहां पे ऑर्डर ने साइट किया या नेशनली भी अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो उससे जो डेटा डिराइव होता है उसका बेनिफिट अपन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा ऑर्डर ने यहां पे साइट किया। देन सेकंड ओपिनियन की अगर बात करता हूं, ओल्ड फ्रेंड्स,
वाइल स्ट्रेंथनिंग टाइज विद रशिया इंडिया मस्ट मेक इट स्टैंड ऑन वॉर क्लियर. सो यहाँ पे ऑर्डर का मानना है कि रिसेंटली भारत और रशिया के बीच में जिस तरीके से यहाँ पे अग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन हो रहे हैं, और रिसेंटली जो रशिया के एक मिनिस्टर यहाँ पर भारत आए, उनकी जिस तरीके से बातचीत हुई हमारे जो रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो हमारे देश के लीडर्स है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी अलॉन्ग विद निर्मला सीतारमन जी और एनएसए अजीत डोवल, काफ़ी लोगों से उनकी चर्चा है यहाँ पर, पीयूष गोयल जी से उनकी बातचीत हुई. तो अब यहाँ पे ऑर्डर का मानना है कि रशिया के साथ भले हम ओवरऑल रिलेशंस की बात करें, हम जितना क्रूड ऑयल यहाँ पे परचेज करते थे उसमें हमने बहुत बड़ा इजाफा यहाँ पर किया, ओवरऑल ट्रेड को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, बट ऑर्डर का ये मानना है कि हमें जो हमारा स्टैंड है विथ रेस्पेक्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर उसको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा जो स्टैंड रहा है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहा है. जब जब भी अलग अलग रेजोल्यूशन यहाँ पर अलग अलग जगह आते हैं तो हमने हमारे स्टैंड को कहीं ना कहीं न्यूट्रल रखा है कि किसी भी तरीके से हम ना किसी देश को सपोर्ट करते हैं, ना रशिया को ना यूक्रेन को. और हमने इसी चीज़ को बार बार रिइटरेट किया है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो ऑर्डर का भी यहाँ पर ये मानना है कि ऑन वन साइड जब आप रशिया के साथ रिलेशंस को और बेटर करना चाह रहे हैं, चीज़ों को और स्मूदन करना चाह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आपका जो व्यू पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू दिस वॉर वो उसमें क्लैरिटी नहीं है. तो ऑर्डर का मानना है कि आपको प्रॉपर यहाँ पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को कि आपका स्टैंड क्या है, क्या आप रशिया के साथ स्टैंड करते हैं या फिर यूक्रेन के साथ इन दिस पर्टिकुलर वॉर विच हैज बीन गोइंग ऑन. तो सारी चीज़ बताइए, ऑयल कितना हम परचेज कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें एक इजाफा हुआ है, और किस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर पुतिन काफ़ी बार जिनकी चर्चाएं हुई, जिनकी कह सकते हैं कि जो दोनों देशों के रिलेशंस हैं उसमें भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल दोनों देशों के लीडर्स ने यहाँ पर किया है. फ्रांस की यहाँ पर बात की गई, किस तरीके से अभी अपकमिंग जो G20 समिट होनी है उसमें जिस तरीके से रशिया के जो कह सकते हैं प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन वो भी भारत आने, तो अल्टीमेटली आने वाले समय में विल गेट टू नो मोर क्लैरिटी. बट हाँ, उसके पहले SCO समिट यहाँ पर होनी है, उसमें भी यहाँ पर रशिया एज ए मेंबर कंट्री, तो वो भी उनके लीडर भी यहां पर आने वाले. चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट न्यूज, इंडियन स्टक इन सुडान से नो पार फूड सप्लाई इन होटल्स दे आर स्टेइंग. सो यहाँ पे सुडान की हमें स्थिति पता है कि सुडान में भी सिविल वॉर की सिचुएशन है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी वहाँ पर थी और उसके बाद कुछ लीडर्स यहाँ पे आते हैं, उनकी जिस तरीके से आपस में टसल है, उसका यहाँ पर परिणाम ये है कि अब जो सुडान में स्थिति जो हो रही है, एक साइड यहाँ पे जो सुडान की रैपिड सपोर्ट फोर्स दैट इज RSF एंड ऑन द अदर हैंड सुडानीज आर्म्ड फोर्स, दोनों आपस में भिड़ चुके हैं और इसकी वजह से जो वहाँ के लोकल लोग हैं वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन है. ऐसे में द लॉट ऑफ इंडियंस हु आर स्ट्रैंडेड इन सुडान जो वहाँ पे वर्क करते थे, काम करते थे, तो आज उन्होंने जिस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे साइट कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि स्थिति यहाँ पर बहुत खराब है और लगभग 4 से 5 दिन से हमें जो बेसिक असेंशियल्स है, नेसेसिटीज़ हैं, वो भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही. तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इज इन टच विद जो एम्बेसी हमारी सुडान में और सुडानीज गवर्नमेंट से यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो अल्टीमेटली जो हमारे लोग वहाँ फंसे उनको लाने की कोशिश की जा रही है और जो राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाने की भी कोशिश यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट कर रही है. नेक्स्ट न्यूज, राजनाथ वांट्स डिसएंगेजमेंट डीएस्केलेशन प्रोसेस ओवर लद्दाख स्टैंड ऑफ टू कंटिन्यू. सो यहाँ पर जो हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो जब यहाँ पे बातचीत कर रहे थे और यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे आर्मी की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, तो जब उसमें पूरी बातचीत हुई तब उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर डिस्क्लोज किया कि 18 कमांडर टॉक्स जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो चल रही है, जो अब आने वाले समय में होने वाली है, 17 कॉप्स कमांडर टॉक्स ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है, तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा और दोनों देशों के जो रिलेशन है विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ उनको जल्द से जल्द यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने बताया. और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारी टेरिटरी है उस पर 1 इंच भी यहाँ पर, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था जिस तरीके से चाइना ने 11 प्लेसेस की यहाँ पर रीनेमिंग करी थी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तो उससे बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पर रेज हो गए थे, बट यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्लियरली कर दिया कि हम सारी चीज़ों पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारी डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज है उनको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है इन द करंट सिचुएशन. ओके, देन ऑन द वर्ल्ड सेक्शन देयर आर 2 न्यूज विच आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट इज कीव रिसीव्स पैट्रियट मिसाइल्स मेड बाय US. सो हमें ऑलरेडी पता है, हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि किसी भी तरीके से US यहाँ पे इस वॉर को रोकने के लिए मेडिएशन नहीं कर रहा, रादर इस वॉर को बढ़ा रहा है. उसी का एक और एग्जांपल है कि यहाँ पर पैट्रियट मिसाइल जो US यहाँ पर बनाता है वो भी यहाँ पे यूक्रेन को यहाँ पर दी जा रही है, तो जिस तरीके से यहाँ पर रशियन अग्रेसिवनेस है उसको केटर करने के लिए यहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी इस तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रही है, इस तरीके से रिटेलिएट कर रही है, और इसी वजह से यहाँ पे पैट्रियट मिसाइल्स यहाँ पे दी जा रही है बाय द US गवर्नमेंट, और इसी को यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने भी यहाँ पे साइट किया है. देन द लास्ट न्यूज, कंजर्वेशनिस्ट इन श्रीलंका स्लैम प्लान टू एक्सपोर्ट मंकीज टू चाइना.
अब ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न आ चुका है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था जिस तरीके से कोविड यहाँ पर फैला था, तो उसमें ऐसा आ रहा था कि कुछ लैब्स में टेस्टिंग हो रही है या वुहान में जो पूरा जो मार्केट है नॉनवेज मार्केट, उसकी वजह से पूरा फैला है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है कि श्रीलंका ने यहाँ पर यह अनाउंस किया है, श्रीलंका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, कि लगभग 1,00,000 मंकीज को यहाँ पर चाइना यहाँ पर भेजा जाएगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि चाइना, हालांकि यहाँ पर बोल रहा है कि वहाँ पे चाइना में जो लगभग यहाँ पे 18 जू हैं, जो जूज हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है, तो वहाँ पे रखा जाएगा, लगभग हर जू में यहाँ पे 5,000 मंकीज को यहाँ पे रखा जाएगा। बट यहाँ पे श्रीलंका की हमें ऑलरेडी पता है कि उनकी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो उससे इन मंकीज को सेंड करने से कुछ पैसा उनको मिल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मंकीज़ यहाँ पे जो मंकीज़ की बात की जा रही है, ये मंकीज़ ऑलरेडी एंडेमिक कैटेगरी में है, और ये जो मंकीज़ हैं जिनका नाम यहाँ पे मैक्वीज यहाँ पे रखा गया है, तो ये एंडेमिक कैटेगरी में है, और इन्होंने यहाँ पर श्रीलंका में फसलों को बहुत नुकसान किया है, लोगों के साथ इंसानों के साथ बहुत झड़प हुई है, तो इस वजह से जो मंकीज का जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है इन श्रीलंका। इस वजह से श्रीलंका की एग्रीकल्चर मिनिस्टर, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि अब हम क्या करने वाले हैं, ये मंकीज को कहाँ पर भेजने वाले हैं, हम भेजने वाले हैं कहाँ पर, चाइना, और 1,00,000 मंकीज को यहाँ पर भेजेंगे। तो अब सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे इवन वर्ल्ड में ही आ रहा है कि श्रीलंका यहाँ पर इन मंकीज को भेज तो देगा, बट क्या यहाँ पे जो चाइना है जो बोल रहा है कि हम जू में रखेंगे वो एक्चुअल में रखा जाएगा, या फिर रादर इनकी टेस्टिंग करेंगे जैसा पहले हमने देखा है। तो एक और ये वर्ल्ड के लिए अपने आप में बहुत बड़ा सिग्नल है कि ऑन वन साइड जब हम देख रहे थे कि श्रीलंका अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना अपने देश में इस इन मंकी से रिलेटेड अलग अलग टेस्टिंग करे, और जिस तरीके से कोविड वायरस हमारे देश में आया, आने वाले समय में और कोई ऐसा वायरस ना आ सके। तो इस वजह से ये जो पूरा इशू यहाँ पर चल रहा है, और ये मंकीज को जिस तरीके से भेजा जा रहा है, इवन श्रीलंका के जो एनवायरमेंटलिस्ट है, कंजर्वेशनिस्ट है, उनका भी ऐसा मानना है कि अपने आप में गलत है, क्योंकि श्रीलंका में भी ऐसा कानून है कि कोई भी लाइव एनिमल जो है, जिंदा कोई एनिमल है, उसको आप एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं कर सकते। बट उसके बावजूद यहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह डिसीजन लिया है कि दैट दे आर गोइंग टू सेंड 1,00,000 मंकीज टू चाइना। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, काफ़ी कंट्रीज ने कंसर्न्स भी यहाँ पर रेज किए रिगार्डिंग दिस न्यूज़। ओके, सो हिरन, आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।